चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, एग्जामिनर कह रहा है 54 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो वो कह रहा है कि 20% के लाभ पर उसे कितने मूल्य पर बेचे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एसपी दे रखा है तो पहले तो आप उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए, 54 रुपये बेचा तो उसे 10% की हानि हुई थी, तो इसका मतलब है 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉस था तो इस 100 में से माइनस करके नीचे वैल्यू रख दीजिए, और प्रॉफिट होता तो नीचे प्लस करके वैल्यू रख देते। ये क्या आएगा, अब इन चावलों का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसे बेचना चाहता है 20% के प्रॉफिट पे, तो कुछ नहीं, इस 100 में आप 20 जोड़ दीजिए, 120 अपॉन में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या 9 6 54 और 12 6 72, यानी कि 72 रुपीज, यानी 72 रुपीज प्रति किलो अगर उसे बेचेगा तो उसे क्या होगा, आपका 20% का प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि चावल का जो कीमत थी वो 100 रुपये किलो थी, इसे वो कितने बेचता है, 10% के लॉस पे बेचता है, यानी 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना का 10 रुपये, तो यानी बेच कितने पे रहा है वो, 90 रुपये पे। बट वो बेचना कितने पे चाहता है इसको, कितने पे, 20% के लाभ पे, तो इसका 20% निकालेंगे तो 20 रुपये आएगा, यानी वो इसको बेचना चाहता है 120 रुपये पे। बट ये जो 90 है वो क्या है आपका, 90 जो है वो कितना आपका, 54 रुपये, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/10 से, 6/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 6 54 54 हो जाएगा। तो इसी से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6/10 हो जाएगा आपका, तो 10 6/10, तो 10 से काटेंगे तो 12 6 72, यानी कि 72 रुपीज में वो उसको बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।